हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में कैट कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। बट उससे पहले आइए समझते हैं कि कैट कमांड का क्या यूज है। तो कैट कमांड स्टैंड्स फॉर कॉन्केटनेट। तो कैट कमांड का मतलब है कॉन्केटनेट, दैट मीन्स कि दो फाइल्स के कंटेंट्स को, इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके हम उन दोनों फाइल्स के इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकते हैं कैट कमांड को यूज करके। तो दिस कमांड इज यूज फॉर कॉन्केटनेट एंड प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ फाइल। तो इस कमांड का यूज करते हैं हम कॉन्केटनेट करने के लिए और दो फाइल्स के इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके फिर उन दोनों फाइल के कंटेंट्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो वी कैन सी द यूज ऑफ दिस कमांड एज फॉलो। तो कैट कमांड का पूरा यूज क्या है वो हम नीचे देख सकते हैं। तो इसका पहला जो यूज है वो है क्रिएट ए न्यू फाइल। तो यूनिक्स या लाइनेक्स में अगर कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो वो कर सकते हैं हम। डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ ए सिंगल फाइल। तो सिंगल फाइल के कंटेंट्स को हम डिस्प्ले करा सकते हैं। डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ मल्टीपल फाइल्स। मल्टीपल फाइल्स के कंटेंट्स को हम डिस्प्ले करा सकते हैं। रीडायरेक्ट कंटेंट्स ऑफ सिंगल फाइल टू अनदर फाइल। और किसी सिंगल फाइल के कंटेंट्स को हम किसी अदर फाइल में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। रीडायरेक्ट कंटेंट्स ऑफ मल्टीपल फाइल्स टू अनदर फाइल। और मल्टीपल फाइल्स के कंटेंट्स को भी हम अनदर फाइल में डिस्प्ले करा सकते हैं। अपेंड फाइल कंटेंट्स टू अनदर फाइल। और कोई फाइल हमने यूनिक्स या लाइनेक्स में बनाई है और बाद में हम चाहते हैं कि उस फाइल के अंदर कुछ और कंटेंट्स मुझे टाइप करना है तो उसे कहते हैं कंटेंट्स को ऐड करना, अपेंड करना। तो वो भी हम कैट कमांड को यूज करके कर सकते हैं। डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल विद इच लाइन नंबर, यूज हाइफन एन ऑप्शन। अब मुझे किसी फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले कराना है बट मैं चाहता हूं कि हर लाइन पे लाइन नंबर शो करे, मतलब उस फाइल में जो भी कंटेंट्स है हर कंटेंट्स के लाइन पे लाइन नंबर शो करे, तो वो भी मैं कैट कमांड को यूज करके शो करवा सकता हूं। बट कैट कमांड के साथ मुझे हाइफन एन ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि कैट कमांड को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक नई फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं यूनिक्स या लाइनेक्स में। तो क्रिएट ए न्यू फाइल। तो एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एलएस कमांड बताएगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी फाइल्स है। तो जो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है उस फाइल से फाइल क्रिएट नहीं हो सकती है, हमें वो फाइल का नाम लेना पड़ेगा जो फाइल उसमें नहीं बनी हुई है। इसके बाद कैट कमांड को टाइप करेंगे, ग्रेटर देन का साइन और कोई भी एक फाइल का नाम देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और इसके बाद राइट समथिंग, कुछ भी कंटेंट्स हम लिखेंगे और कंट्रोल को होल्ड करके डी प्रेस करेंगे तो एक फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। और इसके बाद एलएस कमांड को एग्जीक्यूट करके हम चेक कर लेंगे कि वो फाइल बनी है या नहीं बनी है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेरा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि यूनिक्स या लाइनेक्स में एक फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एलएस कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई है। तो ये मैंने एंटर कर दिया तो ये सारी फाइल्स बनी हुई है। अब मुझे एक फाइल बनानी है, वो फाइल बनानी है जो फाइल इसमें नहीं है। तो CAT स्पेस और ग्रेटर देन का साइन स्पेस FILE1, ये मैंने फाइल का नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट्स हमें टाइप करना है ताकि वो कंटेंट्स जो है इस फाइल में जा करके सेव हो जाए। तो मैं टाइप कर देता हूँ कैट कमांड इज अ वेरी
यूजफुल कमांड, ये कंटेंट मैंने टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल को होल्ड करके डी प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी, तो ये मेरी फाइल सेव हो गई है, फाइल वन नाम की एक फाइल सेव हो गई है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि फाइल वन नाम की फाइल बनी है या नहीं बनी है, तो एलएस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करो, फाइल वन नाम की एक फाइल यहाँ पे बन गई है, ये जो राज नाम की डायरेक्टरी है ब्लू कलर में, उसके लेफ्ट साइड में फाइल वन ये शो कर रहा है कि आपकी फाइल वन नाम की फाइल बन गई है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो है डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ ए सिंगल फाइल, तो किसी भी सिंगल फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले कराना है, तो सबसे पहले एलएस कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई है, और कोई भी एक फाइल ले करके उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले कराएंगे। तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, टाइप करेंगे कैट, और कैट के बाद स्पेस, और इसके बाद कोई भी एक फाइल का नाम देंगे, तो उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट ये डिस्प्ले करा देगा। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे किसी फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले कराना है, तो सबसे पहले एलएस कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स है, ये सारी फाइल्स है। अब जो है फाइल वन, यहाँ पे जो एक फाइल है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके कंटेंट्स को चेक करूँ कि उसमें क्या टाइप किया हुआ है। तो मैं टाइप करूंगा CAT कैट स्पेस स्पेस, और जिस फाइल का कंटेंट देखना है उस फाइल का नाम FILE1, और एंटर प्रेस करूंगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइल वन नाम की फाइल बनाई थी, जिसमें मैंने टाइप किया था कैट कमांड इज वेरी यूजफुल कमांड। तो कैट स्पेस फाइल वन एंटर प्रेस करके जो है यहाँ पे मैंने कंटेंट को डिस्प्ले कराया है कि फाइल वन में जो मेरा टाइप किया हुआ कंटेंट है वो है कैट कमांड इज वेरी यूजफुल कमांड। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर लिया। और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रीडायरेक्ट कंटेंट्स ऑफ ए सिंगल फाइल टू अनदर फाइल। अब मुझे क्या करना है कि किसी भी फाइल के कंटेंट्स को मुझे किसी दूसरे फाइल में डिस्प्ले कराना है, तो वही मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एलएस कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लूंगा कि कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई है, और इसके बाद फिर एक फाइल लेना है मुझे, तो मैं टाइप करूंगा कैट, फिर वो फाइल जिस फाइल का कंटेंट डिस्प्ले कराना है उस फाइल का नाम टाइप करूंगा, और इसके बाद ग्रेटर देन का साइन, और फिर एक अनदर फाइल लेनी है मुझे कोई भी, अगर बनी हुई है तो भी ले सकते हैं, अगर वो फाइल नहीं भी बनी हुई है तो भी हम उस फाइल को ले सकते हैं, तो उसको एक नया फाइल भी क्रिएट कर देगा वो। और इसके बाद एलएस कमांड से हम चेक कर लेंगे कि फाइल थ्री जो बनी हुई नहीं थी वो बनी है या नहीं बनी है, और इसके बाद फिर अगेन कैट फाइल थ्री करके भी हम चेक कर सकते हैं कि फाइल थ्री में कंटेंट्स आया है या नहीं आया है। तो इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी सिंगल फाइल के कंटेंट्स को अनदर फाइल में डिस्प्ले कराएंगे, तो सबसे पहले एलएस कमांड से टाइप करेंगे कि कौन कौन सी फाइल है हमारे पास, तो ये सारी फाइल है। और इसके बाद जो है अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फाइल वन नाम की एक फाइल है उसके कंटेंट्स को किसी अदर फाइल में डिस्प्ले कराना है, तो मैं क्या टाइप करूँगा, CAT कैट FILE1 फाइल, और इसके बाद ग्रेटर देन का साइन, और एक फाइल थर्ड ले लेते हैं, ये फाइल बनी हुई नहीं है लेकिन ये इस फाइल को क्रिएट भी कर देगा और फाइल वन के कंटेंट को फाइल थ्री में भी डाल देगा। एंटर प्रेस कर लेते हैं। अब एलएस कमांड से हम देख सकते हैं कि फाइल थ्री नाम की फाइल बनी है या नहीं बनी है, तो ये एलएस
कमांड को मैंने टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया तो फाइल 3 नाम की फाइल भी बन गई है। और फाइल 1 के कंटेंट्स को मैंने फाइल 3 में डाला था, तो इसको चेक कर लेते हैं कि फाइल 3 में कंटेंट्स आए हैं या नहीं आए हैं, मतलब फाइल 1 का कंटेंट फाइल 3 में आया है या नहीं आया है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि फाइल 1 में हमारा क्या कंटेंट था। तो CATCAT FILE1 ये बताएगा कि फाइल 1 में आपका क्या कंटेंट है। तो फाइल 1 में जो मेरा कंटेंट था वो था कैट कमांड इज़ वेरी यूजफुल कमांड। अब मुझे चेक करना है कि फाइल 3 में जो मैंने फाइल 1 का कंटेंट रिडायरेक्ट किया था, तो क्या फाइल 3 में वो कंटेंट आया है या नहीं आया है। तो अगेन टाइप करूंगा मैं CATCAT FILE3 और एंटर। तो कैट कमांड इज वेरी यूजफुल कमांड। तो फाइल 1 का कंटेंट्स जो है वो फाइल 3 में हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको, क्लियर कमांड से ये मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ मल्टीपल फाइल्स। अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल फाइल्स के कंटेंट्स को डिस्प्ले कराना है। तो सिंपली ls कमांड से हम चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स है, और इसके बाद 2 या 3 या 4 जितनी भी फाइल्स हम चाहें उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम टाइप करेंगे कैट स्पेस फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, मतलब एक से ज़्यादा फाइल का नाम दे करके एंटर प्रेस करेंगे तो सारे फाइल्स के कंटेंट्स को एक साथ डिस्प्ले करा देगा। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल फाइल्स के कंटेंट्स को डिस्प्ले कराना है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स है। तो ls कमांड से मैंने ये चेक किया है, यहाँ पे ये सारी फाइल्स है हमारी, फाइल 1, फाइल 3, और बाकी ये ब्लू कलर में जो है ये सारी डायरेक्टरी है। तो अभी 2 ही फाइल है, एक और फाइल है अनिल, तो ये 2-3 फाइल है। तो फाइल 1 और फाइल 3 का पूरा कंटेंट हम चेक कर लेते हैं एक साथ। तो मैं क्या टाइप करूंगा, CATCAT और फाइल 1 स्पेस फाइल 2, और इसके बाद भी हम और भी फाइल हम रख सकते हैं। तो जितनी भी फाइल रखेंगे सारे फाइलों का कंटेंट्स ये एक साथ डिस्प्ले करा देगा। तो एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो फाइल 1 में टाइप किया हुआ था कैट कमांड इज़ वेरी यूजफुल कमांड, और फाइल 2 में भी हमारा यही टाइप किया हुआ था, फाइल 2 नो सच फाइल और डायरेक्टरी, फाइल 2 है ही नहीं, फाइल 2 हमारे पास है ही नहीं। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कैट फाइल 1 और इसके बाद फाइल 3 कर लेते हैं। तो ये अब कैट फाइल 1 फाइल 3 ये दोनों फाइल है हमारे पास, तो इन दोनों में जो कंटेंट्स था वो इसने डिस्प्ले करा दिया है। कैट कमांड इज़ वेरी यूजफुल कमांड, कैट कमांड इज़ वेरी यूजफुल कमांड। हम इसको ऐसे भी करा सकते हैं, फाइल 1, फाइल 2 तो है ही नहीं, फाइल 3 और एक और फाइल है हमारे पास अनिल, और एंटर प्रेस करेंगे तो इन तीनों फाइल्स में जो भी कंटेंट्स है सारे कंटेंट्स को ये डिस्प्ले इसने करा दिया है। तो क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कमांड से ये मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रीडायरेक्ट कंटेंट्स ऑफ मल्टीपल फाइल्स टू अनदर फाइल। अब मल्टीपल फाइल्स के कंटेंट्स को भी हम किसी दूसरे फाइल में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसके लिए अगेन वही ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी फाइल्स है, और इसके बाद कैट कमांड को टाइप करके एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा फाइल्स का नाम रखेंगे, ग्रेटर देन का साइन रखेंगे और एक अनदर फाइल को यहाँ पे रख करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये क्या करेगा, फाइल 1, फाइल 2 के कंटेंट्स को फाइल 3 में डाल देगा, और इसके बाद कैट कमांड को यूज़ करके हम फाइल 3 में क्या क्या कंटेंट्स है वो हम चेक करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ls कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सारी फाइल्स है हमारी,
अब इसमें से दो फाइल ले लेते हैं या तीन फाइल ले लेते हैं एक साथ, फाइल 1, फाइल 2 तो है ही नहीं, फाइल 3 और अनिल, ये तीन फाइल ले लेते हैं और इन तीनों फाइल के कंटेंट्स को किसी अदर फाइल में ले जा करके डिस्प्ले कराते हैं। तो टाइप करेंगे CAT FILE फाइल 1, FILE फाइल 3, फाइल 2 तो है ही नहीं, अनिल, ये तीन फाइल ले ली है मैंने और इन तीनों फाइल के कंटेंट्स को मुझे किसी अदर फाइल में डिस्प्ले कराना है। तो ग्रेटर देन का साइन और कोई अदर फाइल ले लेते हैं फाइल 4। तो फाइल 4 बनी हुई नहीं है लेकिन ये फाइल 4 को भी क्रिएट कर देगा और एंटर प्रेस करते हैं। तो अब क्या हुआ इसमें कि फाइल 1 का कंटेंट्स, फाइल 3 का कंटेंट्स और अनिल नाम के फाइल का कंटेंट्स फाइल 4 नाम के फाइल में आ गई है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, CAT और FILE फाइल 4 और एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो फाइल 1 में था कैट कमांड इज वेरी यूजफुल कमांड, फाइल 3 में था कैट कमांड इज वेरी यूजफुल कमांड और अनिल के अंदर था दिस इज गुड बॉय। तो इन तीनों फाइल के कंटेंट्स को इसने फाइल 4 में ले जा करके रिडायरेक्ट कर दिया, फाइल 4 में ले जा करके प्रिंट कर दिया और फाइल 4 को कैट कमांड से हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं कि फाइल 4 में क्या क्या कंटेंट्स आया है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अपेंड कंटेंट्स टू फाइल। तो किसी भी फाइल में हमें कोई कंटेंट्स ऐड करना है, वो फाइल जो ऑलरेडी बनी हुई है उस फाइल में मुझे कंटेंट्स ऐड करना है। तो मैं वही ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लूँगा कि कौन कौन सी फाइल बनी हुई है, फिर किसी फाइल के कंटेंट्स को मैं चेक कर लूँगा कि उसमें क्या टाइप किया हुआ है। तो कैट स्पेस फाइल 1, ये फाइल का नाम है, एंटर प्रेस करूँगा तो ये बताएगा कि फाइल 1 में क्या कंटेंट्स लिखा हुआ है और इसके बाद उस फाइल 1 में मुझे कुछ और ऐड करना है कंटेंट्स। तो मैं क्या करूँगा, कैट स्पेस डबल शिफ्ट या डबल ग्रेटर देन का साइन और फिर फाइल का नाम देना है और इसके बाद एंटर प्रेस करके हम कुछ भी टाइप करेंगे, फिर कंट्रोल को होल्ड करके डी प्रेस करेंगे तो वो कंटेंट्स उस फाइल में जा करके ऐड हो जाएगा। और इसके बाद कैट फाइल 1 करके हम फाइल 1 में जो कंटेंट्स ऐड हो गया है उसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो चलिए एक फाइल में कंटेंट्स कैसे अपेंड करते हैं वो देख लेते हैं। तो ls कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं पहले, ये सारी फाइल्स है हमारे पास, फिर फाइल 1 का कंटेंट चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या टाइप किया हुआ है। तो CAT FIL 1 फाइल 1, इसमें टाइप किया हुआ है कैट कमांड इज वेरी यूजफुल कमांड। और इसके बाद जो है अब इसमें कुछ कंटेंट्स ऐड करते हैं, अपेंड करते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, CAT स्पेस डबल शिफ्ट या डबल ग्रेटर देन का साइन FILE 1 फाइल 1 और एंटर प्रेस करेंगे और इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, कुछ अपेंड कर लेते हैं। मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूं कि दिस कमांड इज ऑफ नो यूज और फिर एंटर और कंट्रोल होल्ड करके डी प्रेस कर दिया मैंने। तो ये दिस कमांड इज ऑफ नो यूज, ये वाला कंटेंट जो है मेरा फाइल 1 में जा करके अपेंड हो गया है। तो इसको चेक कर लेते हैं, CAT FILE 1 एंटर। तो पहले फाइल 1 में कंटेंट था हमारा कैट कमांड इज वेरी यूजफुल कमांड और बाद में मैंने इसमें अपेंड किया था दिस कमांड इज ऑफ नो यूज। तो इस फाइल 1 में दिस कमांड इज ऑफ नो यूज, दिस कमांड इज ऑफ नो यूज, ये वाला कंटेंट अपेंड हो गया है। तो क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से,
ये मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल विद इच लाइन नंबर, यूज हाइफन एन ऑप्शन। तो अब मुझे क्या करना है कि किसी भी फाइल के कंटेंट्स को मुझे डिस्प्ले कराना है, बट मैं चाहता हूँ कि हर कंटेंट के लाइन से पहले जो है लाइन नंबर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कैट कमांड के साथ हाइफन एन ऑप्शन को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी फाइल है, और इसके बाद कैट कमांड को टाइप करेंगे, स्पेस हाइफन एन टाइप करेंगे, फिर स्पेस और कोई भी एक फाइल का नाम देंगे। तो मैंने यहाँ पे फाइल वन लिया हुआ है, तो इसको देख करके एंटर प्रेस करेंगे तो हर कंटेंट से पहले ये लाइन नंबर भी शो करेगा। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो मुझे लाइन नंबर शो कराना है किसी भी फाइल में जो भी कंटेंट्स पड़े हुए हैं। तो इसके लिए मैं ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लूँगा कि कौन कौन सी फाइल है। तो ये मैंने ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लिया, ये सारी फाइल्स हैं हमारी। तो फाइल वन के कंटेंट्स को हम नंबरिंग में शो करा लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, टाइप करूँगा cat कैट स्पेस हाइफन एन स्पेस file1, ये फाइल का नाम है मेरा। अब ये क्या करेगा, फाइल वन के अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे उस कंटेंट से पहले कंटेंट नंबर भी शो करेगा। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे कैट कमांड इज वेरी यूजफुल कमांड, ये फर्स्ट लाइन में ये कंटेंट है तो इससे पहले इसने इसका नंबर शो किया है वन नंबर पे, वन लाइन नंबर। फिर सेकेंड लाइन नंबर पे टाइप किया हुआ है दिस कमांड इज ऑफ नो यूज। तो इस तरीके से हम जो है हाइफन एन ऑप्शन को कैट कमांड के साथ यूज करके हम लाइन नंबर भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो क्लियर कर लेते हैं इसको। तो ये था सारा कैट कमांड के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।